हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम 6 पैनल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस कुर्ती को हम दो पार्ट्स में बनाएंगे, टॉप का पार्ट और बॉटम का पार्ट। तो सबसे पहले हम इसमें टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम खोल लेंगे। ये कपड़ा विड्थ में 2 फोल्ड है, ये देखिए ये 2 फोल्ड है, इसे हम 1 फोल्ड और कर लेंगे। इसमें मैं 34 चेस्ट साइज़ की कुर्ती बनाऊंगी, तो इस तरह से मैंने इसे 4 फोल्ड में रख लिया है। ऊपर से कपड़ा हमारा अनइवन है तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच के इसे बराबर कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम टॉप पार्ट की लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ मुझे 14 इंच की रेडी चाहिए, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 15 इंच पे मैंने मार्क किया है, यहाँ भी एक लाइन बना लेंगे। अभी इतने कपड़े को हम कट करके अलग कर लेंगे, उसके बाद हम आगे की मार्किंग करेंगे। ऊपर से भी हम इसे बराबर कर लेते हैं। और इसके बाद हम इसके शोल्डर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं शोल्डर 6.5 इंच मार्क कर रही हूँ। आर्म होल के लिए भी हम 6.5 इंच मार्क करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे एक स्ट्रेट लाइन बना के। और इसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट के लिए जितनी भी चेस्ट है उसका 1/4 लेना है, प्लस इसमें हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो टोटल मैंने 10.5 इंच लिया है। 1.5 इंच से हम आर्म होल में गोलाई देंगे इस तरह से। 1/2 इंच अंदर से एक और आर्म होल ड्रॉ करेंगे इस तरह। और इसके बाद हम इसकी वेस्ट मार्क करेंगे। तो वेस्ट मेरे मेजरमेंट में 28 इंच है, तो उसका 1/4 होता है 7 इंच, और मैंने 2 इंच का मार्जिन, टोटल 9 इंच ले लिया है। इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे 1 इंच से हम हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह से। और इसके बाद हम इसकी नेक मार्क करेंगे। तो इसमें मैं बोट नेक बनाऊंगी, तो इसके लिए मैं नेक की विड्थ 4 इंच मार्क करूंगी। अगर आप नॉर्मल नेक बना रहे हैं तो आप 2.5 से 3 इंच लें, मैंने 4 इंच पर मार्क किया है। और इसके बाद हम नेक डीप मार्क करेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों के लिए मैं इसमें 3 इंच मार्क कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसे शेप देंगे बोट नेक की इस तरह से। और इसके बाद शोल्डर पे हम 1/2 इंच ड्रॉप करेंगे। तो मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली, अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक का पार्ट कट करेंगे। तो बैक का पार्ट हमने कट कर लिया। एक पार्ट इसमें से निकाल लेंगे और दूसरे पार्ट को फिर से उसी तरह से फोल्ड करके रखेंगे और फ्रंट पार्ट के आर्म होल कट कर लेंगे। तो हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। और इसके बाद इसकी हम बॉटम कट करेंगे। तो जितना भी बचा हुआ फैब्रिक था उसे मैंने 4 फोल्ड में इस तरह रख लिया है। मैंने लेंथ में इसे 4 फोल्ड किया है। इसके बाद हम इसकी टोटल लेंथ मार्क करेंगे। तो ऊपर हम टॉप पार्ट की लेंथ छोड़ देंगे 14 इंच और उसके बाद इसकी लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो लेंथ मुझे यहाँ 43 इंच की तैयार चाहिए, हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जितनी भी लेंथ रखनी है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो मैंने 45 इंच इस तरह से मार्क कर लिया, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। और यहाँ से हम कपड़े को कट कर लेंगे। नीचे का जो कपड़ा बचा है उसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे। तो इस तरह से ये मैंने कट कर लिया है। अभी हम इसमें पैनल्स के निशान लगाएंगे। तो जो टॉप पार्ट की कटिंग हमने की है उसे हम रख लेंगे यहाँ ऊपर की साइड, और ये दोनों की बन साइड है। बन साइड से हम एक मार्क करेंगे 3 इंच पे, यहाँ मैंने 3 इंच पे मार्क किया, और टॉप पार्ट में भी 3 इंच मार्क करेंगे। अब इसके बाद जितना भी कपड़ा बचता है, ये मेरा 6 इंच बच रहा है,
तो 1 इंच हम उसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 7 इंच हो जाता है। तो 7 इंच को यहाँ नीचे हम मार्क करेंगे, किसी भी साइज के लिए इसी तरह से मार्क करना है। यहाँ पे 7 इंच में मार्क कर लूँगी और यहाँ से लेके क्रॉस में मैं ऊपर तक तो मिला लूँगी, जो मैंने 3 इंच की मार्किंग की है वहाँ तक हम इसे क्रॉस में मिला लेंगे। ये जो मैंने 3 इंच पे मार्क किया है, अगर हैवी साइज के लिए आप बना रहे हैं तो इसे आप 4 इंच भी मार्क कर सकते हैं। उस तरह से ये मैंने पैनल्स के निशान लगा लिए हैं और इसी लाइन पे हम इसे कट करेंगे। तरह से देखिए ये मैंने कट कर लिया है, ये सेंटर का पार्ट है और ये हमारे पास साइड के हैं पार्ट। इसको हम पलट के इस तरह से रख लेंगे। तो ये साइड के हमारे 4 पार्ट्स हैं, एक इसमें जुड़ी हुई साइड है उसे हम कट करके ओपन कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स हो गए हैं। यहाँ से देखिए इसकी जो घेर है वो 27 इंच आ रही है, मतलब 2 मीटर कपड़े में ये बहुत अच्छी खासी घेर है। और ये इसका सेंटर का पार्ट है, ये देखिए ये सेंटर में आएगी। तो ये हमारे पास फ्रंट और बैक के लिए 2 पार्ट्स हैं और साइड के ये हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, जो दो 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 पार्ट हमारे साइड में अटैच होंगे। इस तरह से देखिए सेंटर के एक साइड इसका एक पार्ट अटैच होगा, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। और इसी तरह से दूसरे पार्ट को हम दूसरी साइड अटैच करेंगे, यहाँ अटैच करेंगे इस तरह से। और इसी तरह से बैक वाले पार्ट के लिए भी हम पैनल्स अटैच कर लेंगे सिलाई लगा के। और इसके बाद हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो जो बचा हुआ फैब्रिक है वो 4 फोल्ड में मैंने ले लिया है, ऊपर की साइड भी इसकी जुड़ी हुई नहीं है, इसमें हम पैटर्न बनाएंगे स्लीव्स में। तो उसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ एक लाइन बना लेते हैं इस तरह से। और इसके बाद हम इसकी विड्थ लेंगे, तो जो मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है उसको छोड़ देंगे और उसके बाद 9 इंच पे मार्क करेंगे। जितनी भी आर्म होल कट की है उससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। इस तरह से विड्थ के लिए निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम स्लीव की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो लेंथ मुझे 13 इंच की रेडी चाहिए, 2 इंच एक्स्ट्रा हम ले लेंगे। जितनी भी लेंथ चाहिए उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, मैंने 15 इंच ले लिया है। इस तरह से मार्क कर लेंगे 15 इंच पे। और उसके बाद यहाँ पे हम 3 इंच से इसे गुलाई देंगे, इस तरह से स्लीव की शेप देंगे। यहाँ पर स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे। तो स्लीव की मार्किंग कर ली है, अभी इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमने स्लीव की कटिंग कर ली है, ये देखिए 4 पार्ट्स में है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो 1.5 इंच का मार्जिन लिया है इसे अंदर की साइड कपड़े को फोल्ड कर देंगे इस तरह से, चारों पार्ट्स में इसी तरह से कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है कपड़े को अंदर फोल्ड करते हुए। और अभी हम नीचे से एक मार्क करेंगे 4 इंच पे, 4 इंच तक ये हमारा ओपन होगा, इस तरह से मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हम इसे, ये मैंने मोती ले लिया है, इसकी हेल्प से हम इसे सेंटर में इसे अटैच करेंगे। तो सुई की हेल्प से हम इसे अच्छे से इसमें सिलाई फिक्स कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से लॉक कर लेना है इसे, पीछे से हम धागे को लॉक कर लेंगे इस तरह से। देखिए मैंने अटैच कर लिया है और इसमें हम 1 इंच की दूरी पर
मोती अटैच करेंगे, तो यहाँ से हम निशान लगा लेंगे 1 इंच की डिस्टेंस पे, ऊपर तक हम इसमें निशान लगा लेंगे। इस तरह से, और जहाँ हमने ये निशान बनाए हैं वहाँ पे हम मोती इसमें अटैच कर लेंगे। ये मैंने बॉटम का पार्ट देखिए, इसके पैनल्स मैंने अटैच कर लिए हैं। नीचे से थोड़ा ये अनइवन हो गया है, तो हम ऊपर से इस तरह से बराबर से इसे गोलाई देंगे। इस तरह से इसे गोलाई देंगे और जो नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसे कट कर लेंगे। इस तरह से बॉटम का पार्ट भी हमारा रेडी है। अभी हम टॉप पार्ट तैयार करेंगे। तो ये स्लीव में देखिए मैंने ये मोती अटैच कर लिए हैं। इस तरह से स्लीव हमारी बनके तैयार है। अभी फ्रंट पार्ट की जो स्लीव है उसमें हम 1/2 इंच की गहराई देते हैं। तो दोनों सीधी साइड मैंने एक साथ रख ली है। इस तरह से 1/2 इंच मार्क करके इसे कट कर लेंगे। और इसके बाद हम इसका टॉप पार्ट तैयार करेंगे। तो ये मैंने ले लिया है फ्रंट का पार्ट और नेक के शेप की स्ट्रिप ले ली है, इसके ऊपर रखेंगे और इसी शेप की सिलाई लगा लेंगे। बैक के पार्ट के लिए भी हमने इसी तरह की स्ट्रिप कट कर ली है, वो भी हम इसके ऊपर रखेंगे और इसी शेप की इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने देखिए सिलाई लगा ली है। अभी छोटे छोटे कट्स बनाएंगे इसमें। कट्स बनाते टाइम सिलाई का ध्यान रखें, सिलाई ना कटे। इस तरह से कट्स बना लेंगे और कट्स बनाने के बाद स्ट्रिप को हम अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने नेक तैयार कर ली है, इसके शोल्डर भी मैंने अटैच कर लिए हैं। अभी हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ ये हमारा जॉइंट आ रहा है शोल्डर का, वहाँ पे देखिए हल्का सा कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे ताकि यहाँ हमारी फिनिशिंग आए। तो इस तरह मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है और उसके बाद स्लीव को हम इसमें अटैच करेंगे। तो फ्रंट साइड की स्लीव फ्रंट साइड में अटैच करनी है, इसका ध्यान रखना है। इस तरह से सेंटर को मिला के रखेंगे, यहाँ देखिए सेंटर मिला के रखेंगे और उसके बाद स्लीव को इसमें सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। दूसरी साइड की स्लीव को भी इसी तरह से सेंटर मिला के रखेंगे और इसे सिलाई लगा के इसमें अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव्स अटैच कर ली है इसकी। अभी हम इसका बॉटम अटैच करेंगे। तो कोई भी एक पार्ट ले लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों बराबर ही है। तो यहाँ से हम वेस्ट से इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने टॉप और बॉटम को अटैच कर लिया है। अभी हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हम इसे पलट के उल्टे साइड से रख लेंगे और यहाँ पे स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे और इसके बाद हम चेस्ट का सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम इसके सेंटर पे मार्क कर लेंगे और सेंटर से एक साइड हम चेस्ट का 1/4 मार्क करेंगे। दूसरी साइड भी हम चेस्ट का 1/4 मार्क करेंगे और इसी तरह से वेस्ट का भी हम 1/4 मार्क करेंगे। इन सभी पॉइंट्स को मिला लेंगे और नीचे तक इसके सिलाई लगा लेंगे। दूसरे साइड भी वेस्ट का 1/4 मार्क करते हुए नीचे तक इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। यहाँ पे भी हम स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे।
तो इस तरह से देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है, नीचे से इसकी घेर को भी फोल्ड कर लिया है। कुर्ती हमारी बनके रेडी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।